हेलो हेलो माइक टेस्ट वॉल्यूम ओके नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने टीचर अड्डा यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के काफी सारे क्वेश्चंस इससे पहले हम ऑलरेडी एक दो लेक्चर विलियम शेक्सपियर के ले चुके हैं ज़्यादा तो नहीं हो पाए क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में शुरुआत करी है तो जो जो बच्चे लिटरेचर से रिलेटेड पॉइंट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं दो चीजों में हमने पढ़ा है कि कौन कौन से वर्क उन्होंने लिखे हैं उनकी बायोग्राफी क्या है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनकी दो नरेटिव पोएम्स थी वो हम पढ़ा चुके हैं आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है की आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इनका एक वैसा वर्क जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क के साथ साथ हम उससे पहले कुछ चीज़ें जानेंगे जैसे कुछ चीज़ें जानेंगे जैसे प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया था तो वो टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं अब हम धीरे धीरे सबसे पहले उन कमेंट्स को पढ़ेंगे और उन बुक्स को पढ़ेंगे उन कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे जिन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके अलग अलग राइटर्स ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को लिखा हुआ है याद रखना एग्जाम में कोई स्टोरी नहीं पूछने वाला नोबडी आस्क यू द स्टोरी वो आपसे कंसेप्चुअली बात करेगा कि ये कमेंट किस राइटर ने किया है यहाँ क्रिटिसिज्म हुआ है कौन से कोटेशंस ऐसे हैं या कोई बेसिकली कौन सी लाइन ऐसी है जहाँ पर हम इनका यूज करते हैं तो ये सभी चीज़ें आपकी शेक्सपियर से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे सेवन है इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है हम थोड़ा सा पेपर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं तो ध्यान देते हैं कैसा आंसर बनेगा भाई जो हम पढ़ा रहे हैं जितना हम पढ़ा रहे हैं चेतन उस चीज की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो गारंटी किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मिलेगा और टीचर्स होंगे जो हो सकता है उल्टी सीधी चीजों को मिक्सचर करके पढ़ाएं मेरा एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्त कि जितना मैं पढ़ाऊंगा जितना मैं वर्क करूंगा वो वर्क अप टू डेट होगा एकदम एग्जैक्ट होगा क्योंकि मैं पूरी की पूरी एफर्ट्स करके चीजें बनाता हूं ये बात ध्यान रखना जितना पढ़ा दूंगा अब देखो सोलह तारीख को पेपर आज तेरह तारीख का ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि कौन सा क्या आएगा क्या नहीं आएगा या पेपर जब भी आगे होगा टाइम लगेगा मैं ये नहीं कह सकता कि घास काटने वाला सौदा देखिए आपका नॉलेज आपके लिए बढ़ेगा और मेरा नाम भी थोड़ा बहुत इसी साथ में जुड़ेगा गलत पढ़ाऊंगा तो मेरा भी नुकसान है ना तो चिंता नहीं करनी पीडीएफ नहीं मिल रही कल लाइट चली गई थी मीनाक्षी जी तो पीडीएफ सेव नहीं कर पाए हैं आज आपका मैंने कमेंट मैंने पहले ही पढ़ लिया कई दोस्तों का तो ऐसे में ये वाली पीडीएफ जो बनाई है इसमें पीछे की पीडीएफ का सारा कंटेंट है जहां से आप देख पा रहे होंगे यहां से कॉन्टेंट स्टार्ट है इसमें रेप ऑफ ल्यूक्री नस एंड एडोनिस वीनस एंड एडोनिस के बाद में तीसरी एक और पोएम हम पढ़ा रहे थे कौन सी पढ़ा रहे थे पैशनेट पिलग्रिम जिसमें पंद्रह वर्क लिखे गए थे पंद्रह सोनेट लिखे गए थे पांच वर्क तो थे वो केवल शेक्सपियर के थे बाकी सारे पंद्रह उन्हीं के थे डेडिकेट करने के लिए, लिए लिखी गई थी उसके बाद में हमने यहाँ पे बताया था पहला फोलियो कब आया था दूसरा फोलियो कब आया था तीसरा कब और चौथा कब ये हम बता चुके थे पहले फोलियो में कौन सा वर्क जो था वो प्रिंट नहीं हुआ था वो एक्सक्लूडेड है ये हम बता चुके हैं पेरिक्लस की बात हो रही है उसके बाद में सोलह तीसरा सोलह और सोलह इसके बाद में किसने इसे प्रिंट कराया था तो इसके लिए एक सवाल आता है कि कुछ लोगों को नहीं पता कि उनके मरणोपरांत ये वर्क जो थे वो पब्लिश हुए थे प्रिंट हुए थे उसमें दो लोगों के नाम है एक तो वर्ड है जॉन हैमेंज और दूसरा वर्ड है कौंडल हेनरी कौंडल ये दो नाम है यहां पर ये दो नाम आपको याद रखने हैं ये दो नाम आपको याद रखने हैं प्रीति प्लीज सर पी में आंसर भी भेजिए भी अगर प्रीति जी मैं खुद टिक करके भेजूंगा अब से भेजूंगा ठीक है आपकी बात मान गया थोड़ा सा शेड्यूल टाइट रहता है बट मैं दूंगा, आपको चिंता नहीं तो आज की क्लास स्टार्ट होनी है आज की क्लास के अंदर ये वो किताबें हैं आज हम ये भी ध्यान नहीं रखेंगे कि विलियम शेक्सपियर के वर्क को ध्यान रखते हुए बॉलीवुड में दस मूवीज ऐसी थी जिनके नाम अलग अलग तरीके से आए थे दस मूवीज हैं उन पे क्वेश्चन आपके टीजीटी में भिन्न भिन्न प्रकार से पूछे गए हैं चाहे वो आपकी आ, बहुत सारी मूवीज थी जैसे हैमलेट एक मूवी थी तो हैदर नाम से बनी इसके बाद में अंगूर नाम से मूवी थी तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी मूवी किस राइटर की बनी थी और उसने किस किताब से इंस्पायर होकर के सारी चीजें भेजी है तो चलिए पहला सवाल आता है हमारे पास में अर्नेस्ट जॉन की एक किताब थी थीन 10 में लिखी गई थी कैरेक्टर पिक किए गए थे हैमलेट को कैरेक्टर पिक किए गए थे शेक्सपियर के वर्क को फोकस करके और उन शेक्सपियर के वर्क को फोकस करके भिन्न-भिन्न टाइप की बुक्स जो थी अलग-अलग लोगों ने लिखी हैं जिसमें अलग-अलग कैरेक्टर्स -अलग को अलग तरीके से अपने तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी कैरेक्टर सेम थे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग था तो यहां पर ये पहला वर्ड याद रखिएगा ये बुक्स से रिलेटेड हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आता है मैंने कई एग्जाम्स में देखा है ये पहला वर्ड आता है आपके पास में हेमलेट एंड ऑडिपस का

टीएस एलियट ने प्रेजेंट किया था तीसरा पॉइंट आता है कैट एंड शेक्सपियर ये 1965 में एक फिजिकल कॉमेडी थी ये भारतीय राइटर राजा राव ने लिखी थी इंडियन राइटर राजा राव ने इस बुक को लिखा था प्रेजेंट किया था इस वर्क को क्रिटिकल मैनर में एक तरीके से रिप्रेजेंट किया था क्रिटिकल मैनर में प्रेजेंट किया था इसके बाद में अगला वर्ड आता है कैरेक्टर ऑफ शेक्सपिय प्ले एटीन ये क्वेश्चन मोर देन थ्राइस में अलग अलग किताबों में देख चुका हूं काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जब एनालिसिस किए तो यहां पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अगला वर्क आता है शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स यहां पे किंग नहीं है किंग्स है आपको एग्जामिनर पजल करेगा शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स होगा किंग नहीं होगा यह बात ध्यान रखिएगा यह एक क्रिटिकल एसए है जिसे लिखा गया है वॉल्टर पीटर ने किताबें अनेकों आई हैं सिर्फ हमें वो फोकस करनी है शेक्सपियर के ऊपर बहुत सारी किताबें आई हैं हमें उनकी बात नहीं करनी है हमें उनकी बात करनी है जो रिवीजन में पैटर्न में काफी सारी उस तरीके से उनके कैरेक्टर्स का यूज करके किताबें लिखी गई अगला वर्ड है ऑन द नोकिंग, उसके प्रोड्यूसर्स की बात हुई तो फेडरिक बार ने किया था ये जो वर्ड को टिक कर रहा हूं ये स्पेशल फोकस वाले वर्ड हैं ये बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने आगे बढ़ते हैं तो शेक्सपियर अलग अलग कमेंट्स गिवन है किसके ऊपर शेक्सपियर के ऊपर जो हम अभी उसके कमेंट्स और क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यूज के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो काम आएंगे ये बात ध्यान रखना अगला वर्ड है शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट या आर्टिस्ट आर जी मॉल्टन ने इसे लिखा था यह थोड़ा सा बोरिंग सेक्शन होने वाला है यहाँ पे 20 नाम बोले जाएंगे इनको आपने बाय हार्ट लर्न करना 20 लाइन याद कर लीजिए दो क्वेश्चन बनेंगे गारंटी है पहले बोल देता हूं दो क्वेश्चन बनेंगे गारंटी आप पिछले कि किसी भी अलग अलग लाइफ के अलग अलग टीज के पेपर उठा के देख लीजिए प्रत्येक पेपर में विलियम शेक्सपियर के एक से दो सवाल जरूर देखने को मिले हैं उन दो सवालों में से आपके मोस्ट ऑफ इन किताबों से क्वेश्चन जरूर आए हैं इसके बाद में शेक्सपियर की ट्रेजिडी की बुक आई थी 1904 में जिसे ए सी ने लिखा था शेक्सपियर ट्रेजरी 1948 है एच बी नेक्स्ट वर्ड है शेक्सपियर की कॉमेडी 1938 थर्टी एट एच बी द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामाज रॉबर्ट ब्रिशिस ने लिखा था ये रॉबर्ट ने लिखा था अगर समय हमारे पास होता तो हम एक एक बुक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इन डिटेल बताते लेकिन समय कम होने की वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह सिंपल इसकी लाइन लिख दी है कि इनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उनको राट एक तरीके से पढ़ लेना नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर इसे लिखा था मिस डेम एडिट सिटवेल नहीं आपको यह नाम इस प्रकार से मिलेगा ई सिटवेल आपको इस नाम को अगर ढूंढेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा ई Sitwell नाम से मिलेगा कि नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर किसने लिखी थी तो e. ने लिखी थी अब हमारे पास में अगला किताबें हैं एग्जैक्ट डिटेल उनकी नहीं मिली तो वो हम आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन बनने की संभवता नहीं क्योंकि क्यों, जाए उनका कोई फायदा नहीं wheel of fire है wilson night का ये दोनों नाम याद रख लीजिएगा पूछे जा सकते हैं ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री हालांकि इसके अंदर बहुत कम ही वर्क आपको शेक्सपियर के कैरेक्टर्स या शेक्सपियर के बेसिकली वर्क से रिलेटेड मिलेगा लेकिन ये सवाल कई बार आया था ए सी ब्रैडली कम है लेकिन है अगला वर्ड है सम अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर निकोलस रो ये निकोलस रो वही व्यक्ति है जिसने पहली बायोग्राफी दी थी शेक्सपियर की सबसे पहली बायोग्राफी शेक्सपियर के नाम पे निकली थी द फूल ऑफ शेक्सपियर और नाम है यहां पे वार्ड फ्रेडरिक का वॉर्ड फ्रेडरिक का ये जो नाम थे इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है बहुत सारी किताबें थी हमने सारी किताबों को नहीं कंसीडर किया है अगर सारी किताबें कंसीडर करते तो लिस्ट दिखाते दिखाते समय बीत जाता आपको केवल इतना ही पढ़ना है कि इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के अंदर आपके पास में सिंपल सा नाम होगा कि ये किताब या ये वर्क किसका है नीचे चार नाम होंगे यू हैव टू पिक इससे ज्यादा कोई क्वेरी नहीं आई है हमने काफी टाइम के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया जो टीजीटी के हैं और काफी सारे की हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने देंगे

के से हवाला लेकर कई सारी स्टोरीज बनी अब इसमें से कौन कौन सी मूवीज का नाम पूछा जा सकता है यहाँ पे वो नाम है सबसे पहला नाम आपके सामने मकबूल का है मकबूल जो है इमरान खान एक बहुत अच्छा किरदार था इमरान खान उसकी मूवी आई थी मकबूल मकबूल इसे डायरेक्ट किया गया था विशाल भारद्वाज के द्वारा और ये मैकबैथ से ली गई थी मैकबैथ से इस स्टोरी को लिया गया था ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि कौन सी इंडियन मूवी है जिसे Okay. मैकबैथ से लिया गया कौन सी मूवी ऐसी है Macbeth से लिया गया और एक सवाल आया था कौन सी मूवी ऐसी है जो विलियम शेक्सपियर के वर्क से रिजेंबल नहीं करती कौन सी मूवी ऐसी जो रिजेंबल नहीं करती इसका मतलब तीन मूवीज जो थी वो रिजेंबल करती थी एक नहीं करती थी तो उसको देखना है अब यहां पर कौन सा वर्क है ये एक तरीके से मैकबैथ का वर्क है इससे आगे जानने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ मैकबैथ से रिलेटेड स्टोरी है जिसके अंदर मकबूल ने क्या किया था मकबूल मूवी के अंदर बहुत अच्छा किरदार प्ले किया था इसके बाद में ओमकारा एक मूवी आई थी याद होगा जो भरपूर एक तरीके से ए ग्रेड मूवी थी बहुत गालियां थी बहुत गालियों भरी मूवी थी ये ओंकारा मूवी अजय देवगन के बैनर के नीचे बनी थी अजय अजय देवगन देवगन के के देवगन के बैनर द्वारा बेसिकली मेन किरदार प्ले किया गया था इसे भी विशाल भारद्वाज ने बनाया था विशाल भारद्वाज के लिए कहा जाता है कि बहुत सारी शेक्सपियर की बुक्स इसे इंस्पायर करती हैं और ये उस पर वर्क करता है तो ओमकारा को भी इन्होंने अडेप्ट किया था ओथेलो से ओमकारा को इन्होंने ओथेलो से अडेप्ट किया था अडेप्ट करने के बाद इन्होंने इस पूरी मूवी के अंदर पूरा स्टोरी या एक तरीके से वर्क दिखाया था किस चीज का इसने इसे क्राइम ड्रामा के अंदर सेट करके दिखाया था हालांकि एग्जैक्ट तो स्टोरी नहीं हो सकती लेकिन उस मूवी का एक तरीके से कॉपी करके उस मूवी का एक तरीके से बेस लेकर के इस मूवी को बनाया गया था अगला वर्ड आता है इस वर्क का बेस लेकर बनाई गई थी अगला वर्ड तो आप जानते ही हैं हैदर हैदर से रिलेटेड मोस्ट ऑफन क्वेश्चन में हैदर ही पूछा जाता है ज्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन हैदर से रिलेटेड भी ये तीसरी मूवी भी विशाल भारद्वाज की ही थी हैदर की मूवी हेमलेट में बनी थी और कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने की कोशिश करी थी एग्जैक्टली द सेम ये वही वर्क था जो हैमलेट के अंदर था कि थामलेट के भी पिता को मार दिया गया था और हेमलेट की माता ने विवाह कर लिया था चाचा से विवाह करने के बाद में बहुत सारी कॉमेंट्स और बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई थी लगभग बहुत ही सारी कॉमेंट जो है इस मूवी में डिट टू द सेम लाइन्स के अंदर कॉपी की गई थी याद होगा जिसके अंदर एक कॉमेंट तो ये भी किया गया था कि ताकि अभी बेसिकली मृत्यु को ज्यादा समय नहीं हुआ और आपने तुरंत ही विवाह कर लिया इसमें बहुत ज्यादा ग्रूजेस दिखाए गए थे गुस्सा दिखाया गया था तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर एक तरीके से एक्शन प्ले में दिखाई गई थी ये तीसरा वर्क है मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा लिमिटेड बताऊंगा अब अगला वर्ड आता है गोलियों की रासलीला रामलीला ये रोमियो एंड जूलियट के किरदार को दिखाता है रोमियो एंड जूलियट जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्क है भारतीय जगत के अंदर मैक्सिमम लव स्टोरीज के अंदर दो चीजें अगर दिखाई जा रही हैं जहां पे लड़का और लड़की विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं और अमीर आपकी हिंदी बॉलीवुड में से। जैसे जूलियट से पहले रोमियो एंड जूलियट एक नाम हो गया ये हमने उधर से कॉपी की है ये मूवी जो है इधर से कॉपीड है इधर से वर्क से एक तरीके से एक आइडिया लेकर बनाई गई है हीर रांझा आपकी भारत में बहुत चलती है इसके बाद में एक मूवी बहुत पहले आई थी लैला और मजनू लैला मजनू भी एक मूवी थी जिस मूवी को कयामत से कयामत से तक इन सब में रोमियो एंड आया था। इसके बाद एक लड़ी गई है सवाल याद रखना ये मत सोचना टाइम पास, पास नहीं प्रीवियस क्वेश्चन उठा लेना अंदाजा मिल जाएगा आपको एक वर्ड बहुत अच्छा आया था अंगूर नाम की एक मूवी थी बहुत पहले आई थी इनका ईयर नहीं पूछा जाएगा आपसे तो अंगूर की मूवी थी इसे बेसिकली लिखा था गुलजार के अंदर गुलजार ने लिखा था और इसका ना, इसको लिया गया था कॉमेडी ऑफ एरर से कॉमेडी ऑफ एरर से इस मूवी को ठीक है अडॉप्ट किया गया था जी बिल्कुल 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 अगला मूवी जो है ये एक एडल्ट टाइप की थोड़ा सा मूवी है ये एडल्ट मूवी है और इसे भी बनाया गया था शरद कटारिया के द्वारा हालांकि फ्लॉप मूवी थी लेकिन 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 इसे बनाया गया था मिड समर मिड नाइट ड्रीम से मिड समर मिड नाइट ड्रीम से तो ऐसे ये जितने भी वर्क पे भारतीय जगत में बॉलीवुड में ये मूवीज बनी थी इन मूवीज का बहुत ज्यादा या लगभग एक तरीके से बहुत बड़े लेवल का श्रेय जाता है शेक्सपियर के वर्क को ज्यादातर वर्क हमने वहीं से कॉपी किया अब ये मत कहना कि बाहुबली तो इधर से कॉपी नहीं भाई वहां पे बाहुबली नहीं था वहां पे रोमियो एंड जूलियट लव अफेयर सोसाइटी के डिफरेंसेस डिफरें की पोजीशन इन सब को लेकर मूवी बनाई गई थी ये चीज ध्यान रखना अब ये सात मूवीज से आठ मूवीज के जो नाम लिखे हैं इनको याद रखना इनसे रिलेटेड क्वेरीज आती है तो ये सात मूवीज इसलिए बताई कि मूवीज तो बहुत सारी हैं तो ऐसी मूवीज में हम ज्यादा तो आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन ये छह सात मूवीज जो थी सेलेक्टेड थी जिनके हमने नाम बताए

प्रत्येक सेक्शन को एक नाम दिया वो नाम क्या क्या है जैसे पहला करियर का सेक्शन इन्होंने बांटा जिसके अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए जैसे लंदन आए लंदन से पहले मैरिज वैरिज का केसेस या सब कुछ तो ये एक तरीके से शुरुआत थी शुरुआत थी तो शुरुआत के लिए एक तरीके से इन्होंने नाम दिया इन द वर्कशॉप छः साल का गैप इन्होंने लिया था फिफ्टीन से फिफ्टीन तक के समय के लिए दूसरा वर्ड आता है फिफ्टीन से ईयर सिक्सटीन

तो याद किया जाता है तो याद करने का तरीका बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है आप इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड कर लीजिए कि 1600 ईसा से शुरू कर लीजिए और अगर ये डेट्स याद ना हो तो क्रोनोलॉजी याद करने में चिंता मत कीजिएगा आप 12 इयर्स के इधर और 12 इयर्स के इधर का टाइम बांट लीजिएगा 12 12 इयर्स का टाइम बांट लीजिएगा आपको डेट याद करना बहुत आसान हो जाएगा इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं छोटी सी ट्रिक जो ज्यादातर टीचर लोग फॉलो करते हैं वो यही है 6 साल का टाइम पीरियड इधर 6 साल का उधर अगर 12 साल का 12 साल इधर आएंगे तो 1588 का ईरा यहां आ जाएगा और 1588 के बाद में वहां जाएंगे तो 1612 का समय यहां आ जाएगा सोलह सौ बारह कैटेगराइज करके सवाल पूछे थे वो यही थे। बारे बारे साल में डिवाइड हो जाएगा। फिर इधर ये पहला शेयर जो आया था छह साल के टाइम पीरियड में आया था तो पंद्रह सो अट्ठासी के बाद पंद्रह सो चौरानवे का समय ये बारह साल में छह साल इधर छह साल इधर इसके बाद में अगला समय आया था आठ और चार का आठ साल में यानी सोलह सो आठ और सोलह सो बारह का समय आया था यानी ये चार चार साल के समय में इन्होंने पूरे वर्क को डिवाइड किया ये पूरे वर्क को डिवाइड किया ये नाम याद रखना कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है प्रोफेसर डाउड वर्क इन द वर्कशॉप रिटर्न बिटवीन या कैटेगराइज बिटवीन किस समय में इसे शेक्सपियर के करियर से कैटेगराइज किया गया है काफी सारे कमेंट किए थे वो कमेंट्स में से कुछ कमेंट जो हैं आज के दिन लिटरेचर में काम आते हैं वो कमेंट्स लिटरेचर में टीच किए जाते हैं तो वो कॉमेंट्स कौन कौन से पहला देखते हैं पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन ये है इसके ईयर से रिलेटेड सवाल नहीं आता है ईयर से रिलेटेड नहीं आएगा तो ईयर याद करने की आवश्यकता नहीं है दूसरा पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तीसरा है पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन और चौथा है रिस्टोर्ड सेरिनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म ये चार वर्क हैं इन चारों को एक बार देख लेना है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब हम कमेंट्स पढ़ने वाले हैं बहुत सारे क्रिटिसिज्म पढ़ने वाले हैं ये कहिए एग्जाम पॉइंट्स पढ़ने की तैयारी में है एग्जाम कोटेशन के पढ़ने वाले हैं ये फेमस कोटेशन है अबाउट विलियम शेक्सपियर ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा जो हमारे मोस्ट ऑफन क्वेश्चन बनाएगा अगर विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड दस क्वेश्चन पढ़ोगे तो दस में से पांच क्वेश्चन आपके कमेंट से रिलेटेड लिस्ट ऑफ वर्ग से रिलेटेड और बायोग्राफी से रिलेटेड आते हैं बचे हुए पांच अगर क्वेश्चन होंगे तो वे क्वेश्चन जो आएंगे वो बचे हुए पांच क्वेश्चन आपके जो चलेंगे वो चलेंगे केवल और केवल और शेक्सपियर के प्लेज से रिलेटेड उनके कैरेक्टर्स लिस्ट कौन सा कैरेक्टर किस प्ले में था कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कॉमेडी के लिए कौन सा कैरेक्टर है जो रिपीट हो रहा है अलग अलग वर्क्स के अंदर तो वो सभी चीजें बताई जाएंगी तो पहला कमेंट शुरू करते हैं यहाँ पे तो से पहले ग्रेट ट्रेजिडीज की बात करें तो चार ट्रेजिडीज ग्रेट हैं इसमें चार ट्रेजिडीज ग्रेट हैं इन चारों ट्रेजिडीज से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में चार ग्रेट ट्रेजिडीज की क्रोनोलॉजिकल अगर ऑर्डर देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो सबसे पहले है हेमलेट उसके बाद में ऑथलो ऑथलो के बाद लियर और मैकबैथ अगर याद करना है तो एच ओ एल एम पढ़ लो एच ओ एल एम ठीक है एच ओ एल एम हॉलम पढ़ लोगे तो आपको ये वर्ड याद करने में आसानी रहेगी इसमें सबसे पहले हेमलेट की बात करें जो 1601 में लिखा था जो सबसे ज्यादा चर्चित है इसे लॉन्गेस्ट प्ले कहा कहा जाता है। Longest play कहा जाता है, है, इसमें सवाल एच ओ के एम भी बोल सकते हैं एच ओ एल एम भी बोल सकते हैं वैसे एल जो है लियर के लिए लिखा जाता है कई किताबें जो नाम आती है वो किंग लियर की जगह केवल लियर से भी आ जाती है तो इसलिए ध्यान रखना था खैर कोई बात नहीं ज्यादातर लोग जैसे याद करें वैसे कर लेंगे अब सवाल आता है हमारे पास में क्या है लॉन्गेस्ट प्ले है का का प्ले है 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 ये वर्क पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर स्टोरी स्टोरी क्या है? तो स्टोरी सुनाने आई एम सॉरी टू से पेपर तीन चार दिन में है समय नहीं है हमारे पास में पेपर थोड़ा कम है तो हम इसके बारे में जो जरूरी तत्व है वो, वो बताते चल रहे रिवीजन के तौर पे वन लाइनर दूसरा पॉइंट आता है ऑथेलो का ऑथलो में 1604 में लिखा गया ये दूसरे नंबर के मतलब लॉन्गेस्ट से कम लेकिन बाकी सबसे ज्यादा तीन हजार दो सौ सैतीस लाइन है वर्क है सत्रह है सत्तासी लाइन का वर्क है और सोलह सो में लिखा गया था ये एक बार लिख लीजिए बहुत ज्यादा रिपीट होता है बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप एक बार देखेंगे तो काफी बार पता चलेगा आगे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा उम्मीद है शायद आगे बढ़ते हैं ये वर्ड याद रखना है भूलना नहीं है भूलना नहीं है क्रोनोलॉजी यही है देख लेना भाई अब आ जाते हैं एग्जाम पॉइंट्स आ जाते हैं ये एग्जाम पॉइंट्स जो हैं ये कोशिश करके सुन लीजिए कोशिश करके सुन लीजिए ये काफी काम आने वाले स्टोरी तो नैना जी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे सारे बच्चे खुद ही पढ़ लेंगे हमारी जरूरत नहीं है सर इन चार ट्रेजिडीज की समरी हमने पढ़ ली बहुत शानदार किया समरी पढ़ लिया समरी के साथ साथ जो जो चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है केवल समरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा समरी के अलावा इनके कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे हम टीचर लोग भी पढ़ाते हैं अब स्पेसिफिकली हमने जैसे लिटरेचर पढ़ा तो लिटरेचर के बाद में हमारी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उस टाइप के क्वेश्चन पहले एनालिसिस करें क्वेश्चन पहले ध्यान से देखें कि क्वेश्चन

तो उसके लिए हम ध्यान रखते हैं ठीक है फिर क्वेश्चन भी करेंगे बहुत अच्छी बात है लेकिन केवल समरी से काम नहीं चलेगा का, ये बात ध्यान रखना हम बार बार बोल रहे हैं बाद में ये मत कहना बताया नहीं बाद में ये मत कहना बताया नहीं है ठीक है बताया नहीं ये मत कहना बस ठीक है बढ़ते हैं आगे सबसे पहला फ्रेज आता है ये एग्जाम पॉइंट है ये क्रिटिसिज्म मान लो किसी के व्यूज कह लो किसी ने कुछ कोटेशंस दी हैं या कुछ भी है ये सबसे इंपॉर्टेंटर्स है निर्मला जी है ये हम कराएंगे ये जरूरी है ये हम कराएंगे चिंता मत कराएंगे ठीक है एक मिनट दो यार अब हमारे पास में अगला वर्ड आता है सबसे पहला फ्रेज आता है हमारे पास में स्मॉल लेटिन लेस ग्रीक आपको याद होगा कि एक बेन जॉनसन ने एक स्टेटमेंट दी थी शेक्सपियर के बारे में क्योंकि उन्होंने कॉलेज पूरा नहीं किया कॉलेज पूरा नहीं किया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी कि स्कूल लाइफ में रहे लेकिन उन्होंने जितना कुछ सीखा वो लोगों के अंदर रहकर लोगों के बीच में रहकर अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग चीजों को जान जान के सीखा इन्होंने बेसिकली ये नहीं कह सकते कि स्कूल या कॉलेज से पूरा ज्ञान अर्जित किया हालांकि बिलोंग करते थे अच्छे परिवार से उसके बावजूद इन्होंने एक तरीके से परिवर्तन किया कुछ कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उनके पिता का व्यापार या काम धंधा बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाने के बाद इन्हें निकलना पड़ा भागना पड़ा आगे काम ढूंढना पड़ा तो खैर ये स्टेटमेंट जो पूरी गई ये बेन जॉनसन के द्वारा बोली जाती है अब आ जाता है अगला पॉइंट आता है अब अगले पॉइंट का एक सार बता देते हैं कि शेक्सपियर के प्लेज जितने भी हैं शेक्सपियर के जितने भी वर्क हैं कभी उन वर्क को पढ़ने के बाद कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो कैरेक्टर बनावटी थे होंगे मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे कहता है कि हमें लगता नहीं है कि वो बनावटी होंगे जब हम उन चीजों को प्रॉपरली पढ़ते तो ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर लिविंग होंगे, जिंदा होंगे और वही यही फंक्शनिंग करते हुए घूम रहे होंगे जब इस तरीके की स्टेटमेंट आएंगी तो याद रखिए मैं इसे रीड कर रहा हूं इसे ध्यान से सुनिएगा शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज

प्लेयर्स को परफॉर्म करते समय में ये कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो स्पेशल किसी एज क्राइटेरिया को दे रहा है या किसी समय के बारे में लिख रहा है वो परफॉर्म इस तरीके से करता था कि सभी एज के लोग उसे पसंद करने लग गए थे तो ये एक स्टेटमेंट है याद रखना डब्ल्यू जे लॉन्ग ने लिखी सबसे बड़ी कोटेशन यही है सबसे बड़ी स्टेटमेंट यही है और कोई स्टेटमेंट इतनी बड़ी नहीं है अगला पॉइंट आता है इन अ वर्ड यानी कि एक शब्द में बोला जाए तो विलियम शेक्सपियर ये जो था एक यूनिवर्सल पोइट था ये स्टेटमेंट जो बोली गई थी ओपिनियन थी ये भी डब्ल्यू जे लॉन्ग के द्वारा बोली गई थी ये स्टेटमेंट भी डब्ल्यू जे लॉन्ग के द्वारा बोली गई थी जाहिर सी बात है शेक्सपियर के लिए बोली गई है तो हम वही कमेंट्स कवर कर रहे हैं आगे अगला सवाल आता है I do not remember that मुझे याद नहीं है plays of Shakespeare ये लाइन जो थी, गौथे ने कही थी ये लाइन याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार मैंने देखे सवाल ये कोटेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं आप जानते होंगे नहीं जानते तो एक बार देख लीजिएगा कहता है कि उसके प्लेस या वर्क इतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है मेरे ऊपर कि बेसिकली इतना अच्छा इंप्रेशन किसी और चीज से मेरे पास नहीं आया ये लाइन जो ये बोली गई है ये के द्वारा बोली गई अगली फिर से एक और लाइन आती है डब्ल्यू जे लॉन्ग के द्वारा इवन दो रीड नो हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल बोली गई कि बहुत सारे लोगों को बताए नहीं हम बहुत सारे ऐसे कॉमेंट या बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं जिसकी एक तरीके से शुरुआत शेक्सपियर ने करी थी जिसकी शुरुआत कहते हैं कि सारी चीजों में शुरुआत ने बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड क्रिएट किया था फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन है So long as one speaks the English language to escape his इन्फ्लुएंस ये लाइन और बोली गई थी कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करें हम कभी डायरेक्टली नहीं पढ़ते शेक्सपियर को मानते हैं जो बच्चा लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है वो कभी नहीं पढ़ेगा लेकिन सबसे अनिवार्य चीज क्या है सबसे अनिवार्य चीज यह कि हम अनजाने में ही सही अगर अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा को शेक्सपियर के वर्क से अलग कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ये अपने आप में ही उससे बचना थोड़ा सा कठिन है इंपॉसिबल है उसको प्रयोग करना जरूरी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ अगला पार्ट हमारे पास में है पहली ऑबवियसली लाइफ जो बायोग्राफी है ये शेक्सपियर की 1709 में आई थी बायोग्राफी 1616 के बाद काफी लंबे समय बाद देख लेना भाई और ये नाम याद रख लेना पहली बायोग्राफी किसने लिखी थी पहला इंप्रेशन किसने दिया था इसके बाद में दूसरा है एक अटैक किया गया था शेक्सपियर के ऊपर शेक्सपियर पे एक पैम्फलेट के जरिए अटैक किया गया था दो चीजें याद रखनी है पहली कि वो पैम्फलेट का नाम क्या था दूसरी वो अटैक किसने किया था शब्दों का शब्दों का अटैक किसने किया था तो शब्दों का अटैक किया था रॉबर्ट ग्रीन ने और पैम्फलेट जो गया था वो क्या था एक ग्रोट वर्थ ऑफ विट बॉट, बॉट with a million of repentance ये लाइन कई बार आती है मेरे अनुसार इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं रखता हूं आपका इच्छा है आप चाहें तो इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं अगला सवाल आता है इसी के बाद बेन जॉनसन ने एक और स्टेटमेंट बोला था आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड मैं उस इंसान से प्यार करता हूं और ऑब्वियसली उसकी मेमोरी की तारीफ करता हूं इज्जत करता हूं ऑन दिस आइडिटी एज मच एज एनी और किसी की तुलना में ही वॉज इंडीड वो बहुत ईमानदार था ओपन था नेचर से फ्री था मतलब बहुत फ्री नेचर का व्यक्ति था मतलब वो इधर उधर नकल नहीं करता था कॉपी के ऊपर नाम नहीं आता था कुछ ने हालांकि उससे नकल बोला भी था वो मैं पढ़ा चुका हूं किसने नाम बोला था कि भाई उसका अपना कोई वर्क नहीं है केवल नकल करता है तो ये लाइन बोली गई थी तारीफ की बेन जॉनसन के Bora! अगले पार्ट में आता है यहाँ पर बहुत अच्छा वो कब्र की मिट्टी से रिलेटेड एक एपिटा पढ़ाया था मैंने आपको एपिटा पढ़ाया था ये एपिटा के वर्ड्स हैं और एपिटा के वर्ड्स के बाद में ये उसकी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसने लिखी थी ये स्टेटमेंट किसने लिखी थी ये उस स्टेटमेंट के ऊपर पॉइंट है बेसिकली एक बार आप इसे खुद से पढ़ लीजिए ये स्टेटमेंट उसकी कब्र के ऊपर लिखे हुए पत्थरों के बारे में है अब ये पोइट कौन था ये पोइट जाहिर सी बात है ये खुद शेक्सपियर था शेक्सपियर ने पहले ही भाप लिया था कि भाई बहुत सारे लोग जो होते हैं उस टाइम पीरियड में कब्र की जो हड्डियां होती थी उसको चुरा लेते थे गायब कर देते थे या तंत्र मंत्र की बेसिकली ऑक्यूल्ट वेज के लिए यूज करते थे तो उस परिस्थिति में यहां पर एक व्यू दिया गया गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हियर यानी जो गड्ढा गो देगा मेरी हिड्डियां लाएगा वो यही बंद हो जाएगा दफन हो जाएगा ब्लेस्ड द मैन दैट स्पेयर्स द स्टोन्स और उसके लिए ब्लेसिंग है जो इसे छोड़ देता है एंड क्रस्ट बी दैट मूव्स माय बोन और जाहिर सी बात है उसको क्या कर देना यहीं पे दफन कर देना द रैच डॉगरल ओवर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट वाज इंटेंडेड नो डाउट एज अ वार्निंग ये एक वार्निंग थी उन लोगों के लिए जिसमें उन्होंने बताया था टू स्टूपिड फिक्शन Lest he should empty the grave नहीं तो वो ग्रेव को क्या कर देते एम्प्टी कर देते हालांकि ये सच्चाई है कि उसके एपिटा की ये लाइंस लिखे जाने के बाद नोबडी वाज देयर जिसने उसको जल्दी से छेड़ने की हिम्मत या सोच भी रखी होगी तो ये शेक्सपियर के वर्ड से और ऑब्वियसली ये याद रखे जाते हैं अगला एक और वर्क है यहाँ पे शेक्सपियर प्रोबेबली वर्क विद सम ऑफ सम समवन इन द टू लास्ट पार्ट ऑफ ये एक लाइन बोली गई थी बहुत अच्छी लाइन है ये कहा जाता है कि सारा वर्क शेक्सपियर का खुद का नहीं है प्रोबेबली ऐसा है कि उसने किसी व्यक्ति के साथ सपोर्ट मिलकर ही काम किया होगा तो ये लाइन किसने बोली थी शेक्सपियर प्रोबेबली वर्क विद समवन इन द जिसने ये statement बोली थी के लिए, उसका नाम है Marlo. Marlo नाम है है? का पूरा क्या एक बार बोलिएगा. कौन सा वाला मार्लो है यहां पे? किसका है पूरा नाम किसने स्टेटमेंट दिया होगा कि शेक्सपियर ने सारा वर्क खुद नहीं किया होगा ये एंड का जो दो वर्क है Henry VI और रिचर्ड थ्री इसमें जरूर उसने किसी की सहायता ली होगी एक क्वेश्चन ऐसा मिला था जिसमें सारा स्टेटमेंट सेम था बस हेनरी हेनरी की 6 की की जगह 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 और और कोई नंबर नंबर रिचर्ड चेंज करके अलग अलग पार्ट में कॉम्बिनेशन दे रखा था कॉम्बिनेशन अगर आता है तो याद रखना हेनरी सिक्स और रिचर्ड थ्री थ्री और सिक्स ये वर्ड याद रखना तभी ये काम बनेगा तभी ये काम बनेगा नहीं तो भूल जाओगे आगे बढ़ते हैं अगले वर्क की तरफ अगले वर्ग की तरफ है यहां पर ये चार किताबें किसने लिखी हैं यहां पर ये चार किताबें किसने लिखी हैं हु रोट फोर बुक्स ये चार किताबें किसने लिखी हैं पहली अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी द व्हील ऑफ फायर ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी याद रखना द इंपीरियल थीम शेक्सपीरियन टेम्पेस्ट शेक्सपीरियन टेम्पेस्ट वर्ड है यहाँ पे द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपीरियन क्रिटिसिज्म ये चार किताबों का नाम देखो आया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में भी ये चार किताबें बार बार पूछी जाती हैं कि ये चार किताबें शेक्सपियर के कैरेक्टर्स पर या शेक्सपियर पर किसने लिखी है तो नाम आएगा ल्सन नाइट का नाम आएगा विल्सन नाइट का ये चारों किताबों में से पूछा जा सकता है कई बार ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिला है जब पूछा जाता है कि कौन सी किताब विलियम या विल्सन नाइट ने लिखी है शेक्सपियर के ऊपर कौन सी किताब ऐसी है जो शेक्सपियर को लिखी गई है तो कई बार ऐसा होता है कि चार में से कौन सी एक आ जाए चार ऑप्शन हो एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे ये नाम याद करने पड़ेंगे भूलना नहीं है अगला सवाल आता है नेक्स्ट एक और कमेंट है बस अब ये खत्म होने की कगार पे है, ये हमने बेसिकली बच्चा ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप थोड़ा सा भी पेन समझते होंगे तो आपके एग्जाम के लिए मोर देन अलग अलग तरीके की 200 से 250 हंड्रेड फिफ्टी कमेंट्स पढ़ना कोटेशंस पढ़ना उसमें ये कैटेगराइज करना कि ये कौन से स्पेसिफिकली एग्जाम में देखी गई है ये कौन सी आ सकती है ये किस राइटर की भाई ये इरा से अलग है इसको हटा दो ये एज से इस का नहीं आने वाला वर्क तो कौन सा ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर आपके लिए नोट्स ना बनाए जाए में काफी एफर्ट्स लगते हैं आप इन एफर्ट्स को अगर कामयाब ले पाए तो गारंटी देता हूं आपका पेपर अच्छा जाएगा अगर इस चीज को देखना हो तो प्रीवियस ईयर का आप सीरीज उठा लो आपको अपने आप ये क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे ये ध्यान रखना भाई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अगला सवाल है व्हेन शेक्सपियर इज चार्ज विद डेट टू हिज ऑथर्स लेंडर रिप्लाइज येट ही वॉज मोर ओरिजिनल देन हिज ओरिजिनल्स ध्यान से पढ़ना है येट ही वॉज मोर ओरिजिनल वो खुद बहुत ज्यादा ओरिजिनल था अपने ओरिजिनल की तुलना में अब यहां पे ये लाइन बहुत अच्छी है ये वाली लाइन देखना है क्या लाइन है ये लाइन है ही ब्रीद अपॉन द डेड बॉडीज ह्रीद अबॉन द डेड बॉडीज ये लाइन देख लेना भाई ब्रीद अबॉन द डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इन टू लाइफ ब्रॉट देम इन टू लाइफ इनको लाइफ में जीते जी एक तरीके से प्रेजेंट किया गया यह लाइन बोली गई थी आर डब्ल्यू एमर्सन यानी राल्फ वाल्डो एमर्सन के द्वारा 1803 1882 इसके किस में लिखी गई थी लेटर्स एंड सोशल एम्स में ये लाइन लिखी गई थी लेटर्स एंड सोशल एम्स में ये लाइन लिखी गई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आई एडमायर हिम ये लाइन सुनना किसने कही ये लाइन कहता है मैं तारीफ तो बें जॉनसन की करता हूं लेकिन प्रेम शेक्सपियर से करता हूं मैं तारीफ तो किसकी करता हूँ तारीफ करूंगा तो भाई बेन जॉनसन की करूंगा क्यों अकेले दम पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे पेट्रोन बनाया अपने इंडिपेंडेंट ताकत से पूरा खींचा जो कि काबिलिय तारीफ अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं लेकिन प्रेम मैं शेक्सपियर से करता हूं ये लाइन जॉन ड्राइडन के द्वारा बोली गई ये ड्राइडन बहुत ज्यादा नाम है तीन ही नाम बार बार घूम फिर कर आ रहे हैं आप देख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई ये तो रिपीट है ये भी रिपीट ये लाइन रह गई बच्चे ये लाइन रह गई ये ऊपर वाली रिपीट है वी कैन so great account। कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसने एक लाइन बोली थी कि हालांकि नॉलेज बहुत कम थी लेकिन उस नॉलेज को कितने बड़े लेवल पर प्रेजेंट किया कितनी बढ़िया तरीके से लाकर दर्शाया लाइन बोली गई टी एस इलियट के द्वारा टी एस इलियट के द्वारा कि भाई क्या अब भाई देखो जितने भी ऑपोजिटर हैं कंटेम्प्ररीज हैं या वे लोग हैं जो एक दूसरे के वर्क को क्रिटिसाइज करते क्रिटिसिज्म देते हैं ऐसी परिस्थिति में जब क्रिटिसिज्म दिया जाता है तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानता है कि इसका राइटिंग स्टाइल क्या है क्या नहीं है उस परिस्थिति में कई बार बुराइयाँ भी की जाती हैं और तारीफें भी की जाती हैं कि नॉलेज कम थी लेकिन प्रेजेंट कितनी जबरदस्त तरीके से करी तो ये वर्ड है टी एस एलियट का ये बहुत अच्छा है ऊपर वाले हम पढ़ा चुके हैं रिपीटेड है ये चलो फिनिश करते हैं अब हमारे पास इसका एक लास्ट पार्ट आ चुका है फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे फिर क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको बहुत सारी चीजें भी दिखाएंगे क्योंकि कोटेशन खत्म हो गया कल से हम अलग अलग जो उसके वर्क है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाएंगे प्रैक्टिस कराएंगे तो अब यहां पे सवाल है हमारे पास आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर ये लाइन बोली गई थी टेलर कौलरिज, कौलरिज के द्वारा 1772-1834 नाम है, है, स्वीट स्वैन ऑफ एवन ये कई बार पूछा जाता है एवोन आप सभी को पता है कई बार बता दिया गया है स्वीट स्वैन ऑफ एवन ये बेन जॉनसन ने बोली थी आगे है सोल ऑफ एज दॉज Delight, द वंडर ऑफ आवर स्टेज द वंडर ऑफ आवर स्टेज ये लाइन बोली गई थी भी बेन जॉनसन के द्वारा एक सीरीज बना के इसे कलेक्ट कर लीजिएगा कि बेन जॉनसन ने जितनी बोली उनको अलग कर लीजिएगा काफी सारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगे प्रीफेस ऑफ द फर्स्ट फोलियो पर ये बोल बोली गई थी अगला पॉइंट ये भी बेन जॉनसन ने ही बोली थी 1573 1637 में ही वाज नॉट ऑन ये मैं पहले बढ़ा चुका हूं ये रिपीट है कि किसी एज से नहीं था लेकिन सभी समय के लिए था ये पढ़ा दिया है आई लव द मैन एंड ऑनर ये एक और सवाल है एक कहता है कि मैं प्रेम बेन जो पसंद बेन जॉनसन को करता हूं लेकिन प्रेम शेक्सपियर को करता हूं यहां पर कहता है मैं उसे प्यार करता हूं और उसके मनी की ये मनी है ये एंड रह गया एंड डू ऑनर इज मनी और उसके जो भी एफर्ट्स हैं उसके बारे में बात करें तो बेन जॉनसन ने बोला था कि मैं उसके मनी की उसकी तरकीब और कामयाबी की इज्जत भी करता हूं ये खत्म है बस अब हमारा ये लास्ट कोटेशन का पार्ट है इसके बाद में विश्वास दिलाता हूं आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है मोर देन सफिशियंट है अगर ये आप इतना सिलेक्टेड वर्क पढ़ लेंगे ये पांच पन्नों के कोटेशन पढ़ लेंगे पर्याप्त है कई लोगों को लगेगा नहीं यार उसने तो इतने पढ़ा दिए इतने इतने पढ़ा दिए तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं है जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो सेलेक्टेड निकाल कर लाए हैं इतने में से इतना निकालना कठिन होता है सौ कोटेशन अगर है दो सौ अगर है तो उनमें से पांच दस पंद्रह बीस निकालना कठिन है लेकिन उस पर विश्वास कि यही होगा ये बहुत बड़ी बात है वही आएगा ये चीज देख लेना क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड वर्ड है अगला सवाल क्या है भाई आवर अबाइड आवर क्वेश्चन अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दर्ट फ्री मैथ्यू आर्नोल्ड ये वर्ड बोला गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन प्ले प्लीज ओनली इन लंडन एंड कैनेडा ये एक तरीके से बुराई की गई है कि केवल और केवल लंडन और कनाडा के अंदर ही उसकी इमेजिनेशन को थोड़ा सा पसंद किया गया लोगों को खुश किया गया बाकी लोग उसकी ऐसे सेक्शन में नहीं है बेसिकली उसकी तारीफ नहीं करते उसके वर्क को नहीं पसंद करते हैं ऐसा वॉल्टेयर ने बोला था डियर सन ऑफ मेमरी ग्रेट हायर ऑफ फ्रेम सॉरी फेम, ग्रेट हायर ऑफ फेम ये बोला गया है मिल्टन के द्वारा एंड द लास्ट वर्ड है ये मेरा फेवरेट है आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड मिल्टन आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर चाइल्ड ये बोला गया था मिल्टन के द्वारा मिल्टन के द्वारा अब ये पार्ट यहां पे खत्म होते हैं कोटेशन के ये कोटेशन के पूरे पार्ट यहां पे खत्म होते हैं काफी सारा वर्क हमने आपको करा बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं आई होप आपको देखो रीड करने के बाद इंपोर्ट देखो दो चीजें एक होता है पढ़ने से इंटरेस्ट आए और एक होता है आपको पढ़ने से पता चले कि जानकारी पर्याप्त है संपूर्ण है, सटीक है कम समय में ये चीजें कराना जानकारी देना है मैंने आपको एक्सप्लेन लगभग बहुत कम किया है क्योंकि एक्सप्लेन करने योग्य नहीं थी ये कमेंट्स थी जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये की पॉइंट से जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार सारे बच्चे थम्स अप का निशान दिखा दीजिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम रेलिवेंट इसके वर्क से रिलेटेड है ये हम कल अगली क्लास में लेकर आए क्या ये जानकारी आपके लिए सटीक लग रही है आपको या नहीं लग रही है यदि है तो एक बार थम्सअप का निशान कर दीजिए थम्सअप दिखा दीजिए ताकि हम आगे हम भी मोटिवेटेड रहें और इस प्रकार के बहुत सारे वर्क आपके लिए लाते रहें ठीक है स्टोरीज पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है आप भी समझिए स्टोरीज आप खुद से पढ़ सकते हैं खुद से ये सब कुछ कवर कर सकते हैं स्टोरीज का जो चीज आप कवर नहीं कर सकते वो मैं कराऊंगा स्टोरीज खुद से कवर हो जाएंगी स्टोरीज तो बच्चा कोई भी यूट्यूब चैनल खोलेगा हैमलेटर लिखेगा या कुछ भी लिखेगा सारी स्टोरी गा देगा वो सब गा देगा वो, सब गा देंगे लेकिन पेपर के लिए क्या जरूरी है एग्जाम के लिए क्या जरूरी है ये जानना बहुत ज्यादा कठिन है बहुत ज्यादा कठिन है तो इस चीज को हम आपके साथ डिस्कस करें ये बात ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि एग्जामिनर का नेचर समझना एग्जामिनर सवाल कैसे करता है बच्चा जो है सवाल नहीं करता है बच्चा चाहता है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन ली साइड में फोन चला लिया और काम काम भी कर उससे नहीं चलेगा याद रखना जी धन्यवाद 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 अच्छा लगा कि आपको जानकारी थोड़ी सटीक लगी क्योंकि बच्चा क्या है कि अपनी आदत है डिटेल में पढ़ाने की बहुत ज्यादा डिटेल में डेंसली जाके एक एक चीज को डिटेल में समझाने की <coughs> डिटेल में समझाने की लेकिन काफी सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी करा दिया जाए तो जल्दी कराने के लिए हम वही चीजें कराएंगे जो पेपर में सक्षम इसके बाद ये क्लासेस चलती रहेंगी आगे के के फर्दर और जो भी टीचर्स एग्जाम होंगे उसमें हम जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल इन डिटेल सिलेबस करेंगे तो गारंटी फिर आपका मजा आ जाएगा फिर आप चीजें करेंगे तो एक एक चीज को एक्सप्लेन करते चलेंगे कि उसका लिंक कहां से क्यों लिखा गया किस पर्पज में लिखा गया उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी वो सब चीजें बताएंगे अगला वर्ड हमारे पास में यहां पर बहुत अच्छा वर्ड है ये किसी ने एक लाइन बोली थी क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टोरी तो मैं तो छः महीने हो जाएंगे हाँ टाइम तो लगेगा नायना ना जी देखो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना तो सवाल हमारे पास में अगला है दो चार सवाल करा लेते हैं कई बच्चों के मन में पीड़ा रह जाती है कि सर सवाल नहीं करा रहे हैं एक्चुअल में जो चीजें आती है खैर मैं उसी पे ज्यादा फोकस करता हूं सवाल है हमारे पास में ये एक लाइन बोली गई थी क्या लाइन बोली गई थी इज दुमन द लाइन पार्ट ऑफ विच प्ले किसी ने बोली थी लाइन ये कौन सी लाइन है कौन से प्ले में बोली थी किसने बोली थी किससे बोली थी ये एक वर्ड है चार नाम हैंग लियर और किंग लियर। सॉरी मैं वैसे लियर पढ़ा है मैंने कही जगह मैक्सिमम तो यहां पे किसने बोली थी ये लाइन तो शायद आपको पता होगी जब नाम ही हैमलेट है तो मैक्सिमम स्टोरी तो मूव्स अराउंड हैमलेट की मृत्यु हो गई पे ये लाइन एक के लिए बोली गई जबकि विमेन के लिए उसकी एक माता ही है जिस पे पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है और ये तब बोली गई थी जब उसे पता चला कब पता चला क्या पता चला कि पिता की मृत्यु के बहुत कम समय के अंदर क्या किया गया है प्ले हैमलेट सोलिक्यू बिल्कुल ठीक कि कितने कम समय में एक तरीके से बड़ अंदर से कि भाई अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और इन्होंने तुरंत में आगे कदम उठा लिया तो सही आंसर है आपके पास में हैमलेट का बहुत ही शानदार आंसर है अगला सवाल एक और है आपके सामने विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश कौन से ईयर में शेक्सपियर के सोनेट जो थे पब्लिश हुए थे किस ईयर में शेक्सपियर के सोनेट्स पब्लिश हुए थे देखते हैं इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश जल्दी से देखते हैं कौन से ईयर में शेक्सपियर के सोनेट्स पब्लिश हुए थे क्या उसके मरने के बाद हुए थे क्या उसके जीते जी हुए थे ध्यान से पढ़िए आपका जवाब आना अभी बाकी है जवाब क्या है भाई कौन से ईयर में शेक्सपियर के सोनेट्स पब्लिश हुए थे अच्छा एक सवाल और जवाब दे दीजिए कितने सोनेट्स से शेक्सपियर के कितने से शेक्सपियर के ये बता दीजिए सबसे पहले कुछ विद्यार्थियों के सही है बाकी के गलत है सिक्सटीन जीरो नाइन सिक्सटीन जीरो नाइन विल बी द राइट आंसर कितने प्ले है आ, कितने सोनेट्स हैं जल्दी से बताना है कितने वर्क है सोनेट्स है जल्दी से बताइएगा अगला सवाल हमारे पास में चल जा भाई अगला सवाल है विच वॉज द लास्ट प्ले रिटर्न बाय शेक्सपियर कौन सा प्ले है हाँ बहुत शानदार जिसमें शुरू के प्लेज के लिए लिखे गए थे रिय के लिए बाकी डार्क लेडी के लिए और दो क्या थे भाई दो, दो किसी के लिए के गए थे लास्ट के तो है ना किसी सेलेक्टेड के लिए ठीक है तो लास्ट प्ले कौन सा था ऑफ और... तो इजी क्वेश्चन है ये ये तो इजी क्वेश्चन है ज्यादातर बच्चे बता देंगे कि भाई लास्ट प्ले कौन सा था लास्ट प्ले आपके पास में टेम्पेस्ट था बहुत शानदार इसकी एक श्रृंखला बना लीजिएगा ये काम आएगा अगला सवाल हमारे पास में है इमोज़न यह बहुत अच्छा वर्ड है यह याद होगा कौन है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे लेकिन अभी नहीं बताएंगे बाद में बताएंगे इमोज़न जो है फॉलोइंग विंटर टे पैरिकलसलिन और टेम्पस्ट क्यूपिड बिल्कुल गॉड था ना कामदेव जी बहुत शानदार अगला वर्ड है हमारे पास में देखते हैं इमोजिन का नाम जैसे कि कैरेक्टर्स के नाम की अभी बात आई थी कि कैरेक्टर्स करा दीजिएगा कैरेक्टर्स हम कराएंगे डेफिनेटली इट्स प्रॉमिस जरूर कराएंगे तो यहां पे आंसर है Kimberland का अगला सवाल है उसको बेसिकली कमजोर नहीं कर सकती विदर होता सड़ाना गलाना या खराब कर देना नॉट कस्टम स्टेल ना ही उसके रीति रिवाज खराब कर सकते हैं यह लाइन किसके लिए बोली गई थी ये लाइन किसके लिए बोली गई थी डेडोमोना इसके बाद में कॉर्डलिया क्लियोपैट्रा मिरांडा चार वर्ड हैं जल्दी से देखना है ये लाइन किसके लिए बोली गई थी ये लाइन किसके लिए बोली गई थी कि एज जो है क्या नहीं कर सकती एज जो है ना उसको हटा सकती है खराब कर सकती है ना परेशान कर सकती है तो ये लाइन किसके लिए बोली गई थी जल्दी से बताइएगा एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा के लिए नीत सिंह नीत सिंह गलत आंसर है यहाँ पे सही आंसर है क्लियोपेट्रा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना तो तुम्हें उधारी मतलब कर्जदार बनना है ना ही देनदार बनना है नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर भी ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है पैसा लोगे तो दोस्ती भी खराब होगी समय भी खराब होगा फॉर लोन ऑफ लोजेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हेमलेट ये किसने बोली है हु इज द स्पीकर ऑफ द कोटेशन कौन है इस कोटेशन का स्पीकर इस कोटेशन का स्पीकर कौन है हैमलेट है हॉरिशियो है लेटिस है और पोलोनस है राइट right आंसर है पोलोनियस ठीक आज के लिए क्लास को यहीं रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे और भी क्वेश्चंस के साथ में आपके काफी सारे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे और अभी बचे हुए बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल पर हम कवर करेंगे आज की क्लास इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इफ पॉसिबल अगर संभव हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लस अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ताकि उन सबका भी कुछ फायदा हो सके आज के लिए इतना ही दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद